हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल्स एससी क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उस बेहतरीन टॉपिक को प्यारे साथियों, जिसका इंतजार न जाने कितने हमारे प्यारे साथी कर रहे हैं कि सर इस पे वीडियो लेकर के आप आइए, क्योंकि हमने उनका फर्स्ट ईयर बेस्ट करा, सेकेंड ईयर बेस्ट करा, तो हम थर्ड ईयर कैसे छोड़ सकते हैं। और बात होने वाली है पार्ट थ्री बीए इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस की, पेपर फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ की। और हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और सेशन है प्यारे साथियों 2022 से 2025, जिनका अगले साल हो जाएगा फाइनल। और प्यारे साथियों, ये सिलेबस जो है, में आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको जान के आप बेहद खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ईयर बेहतर पढ़ा हो, सेकेंड ईयर बेहतर पढ़ा हो, तो थर्ड ईयर आसान होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। इसमें प्यारे बच्चे हमारे थोड़े डर जाते हैं कि सर एक दो तीन चार पेपर सर देने हैं, 400 नंबर की इंग्लिश ऑनर्स होगी और लास्ट 100 नंबर का जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा, जो जीएस का पेपर होगा, 500 नंबर का होगा। और जो फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट ईयर का 200, सेकेंड ईयर का 200 और थर्ड ईयर का 400, 800 आपका टोटल मार्क्स होगा। और इसमें आप जितना स्कोर करेंगे वही आपका फाइनल मार्क्स होगा, जीएस का मार्क्स नहीं जुटता है, याद रखिएगा, है ना। और यदि प्यारे साथियों इससे रिलेटेड अगर मैं जो भी आज बात बढ़ाने जा रहा हूं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में, यदि वो टॉपिक आएंगे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वो सब आप यहीं से कर लेना सारे टॉपिक। तो कभी मत समझना कि भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का ही है, इसमें जितने भी टॉपिक आएंगे वो कहीं का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि वो ताल्लुकात रखता है या फिर नेट जेआरएफ से रिलेटेड रखता है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड रखता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तो बिना देर किए हुए आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर सिलेबस है प्यारे साथियों इंग्लिश का टीडीसी पार्ट थ्री। आप जानते ही हैं थ्री डिग्री कोर्स, थ्री इयर्स डिग्री कोर्स पार्ट थ्री। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ऑनर्स पेपर चार का। सबसे पहले छोटा सा मैं कर लेता हूं, पेपर हम डिस्कस करेंगे चार पे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आराम से सीखियो। देखो बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं या टीचर्स क्या करते हैं, जो भी वीडियोज बना देते हैं कम समय में बनाते हैं, और आप सभी बच्चों को भी चाहिए ही कम समय कि जल्द चट मंगनी पट बिया हो जाए, काम चल जाए, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए आप मेरे चैनल पे आते हो, जो लिटरेचर की दुनिया में सबसे कम सब्सक्राइबर वाला ये चैनल है ना। यहाँ टेंथ भी, ट्वेल्थ भी और ग्रेजुएशन के भी इंग्लिश है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश है, लेकिन पता नहीं हम लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं ना। आइए पेपर चार की बात करेंगे। इसमें एक ही चीज की डिस्कस होने वाली है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आएगा क्रिटिसिज्म से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात होगी, साहित्यिक आलोचना की बात होगी। तो क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आप तो कमाल कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अब यही धमाल मचाना है आपको थर्ड ईयर में। तो ये तो सब फॉर्मेलिटी है कि 100 मार्क्स का गुरुजी होने वाला है, जिसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। पेपर पांच, टाइम मेरे को मिलेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स रीड करने के लिए। अब यहां आपको पढ़ने क्या क्या है, ये कंप्लीट ऑथेंटिक ये नोट्स है जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया जाता है, इसमें कहीं से कोई टाइप नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक बुक लेना है, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, जिसको लिखा है डीएन स्मिथ ने। ये एक बुक है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, जिसको लिखा है डीएन स्मिथ ने। इसके अंदर में हमें ये पांच टॉपिक पढ़ना है,
हमें ये पांच टॉपिक्स पढ़ना है। क्रिटिसाइज किया गया है शेक्सपियरियन जितने भी सोनेट्स हैं, ड्रामा है, नॉवेल्स है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है। किनके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा। तो उस बुक में टॉपिक बेन जॉनसन का डी शेक्सपियर नॉस्टरिट्स, ये पेज नंबर दिया हुआ है 5 से 6 तक। उसी तरह जॉन ड्राइडन का आपने नाम सुना होगा, फ्रॉम ऑफ ड्रामेटिक पोइसिज फ्रॉम द प्रीफेस, ये दिया हुआ है पेज नंबर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का नाम सुना होगा, प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये पेज नंबर इतना है। एसटी कॉलरिज फ्रॉम बायोग्राफिया लिटरेरिया, चैप्टर नंबर देख सकते हैं 15, और ये पेज नंबर दिया है। डी क्वेंसी ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, यानी कि ये जो इस साइड में जो भी है वो कहीं ना कहीं विलियम शेक्सपियर के लिखी हुई चीजें हैं जिस पर इन्होंने क्रिटिसाइज करा है, जॉनसन ने, ड्राइडन ने, जॉनसन, सैमुअल जॉनसन ने, और एसटी कॉलरिज और डी क्वेंसी। आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, आप गूगल से कर लो, यूट्यूब पे अलग अलग सोर्सेस से पढ़ सकते हो, गेस पेपर ले सकते हो, या फिर ये बुक खरीद करके ऑथेंटिक रूप में पढ़ सकते हो। जाओ जी, इसमें सेकंड बुक कौन सा है? टीएस एलियट का है। इसका बुक का नाम है 3 Essays, बुक का नाम है प्यारे साथियों, ये 3 Essays नहीं है, 3 Essays है, और इसके अंदर में हमें 2 ही Essays पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, और इस किताब को लिखा है, एडिट करा है एसके कुमार। आप जो है बुक आराम से मार्केट में अवेलेबल है, खरीद सकते हो। तो कितनी किताबें हो गई पेपर 5 में? 2 किताबें, एक शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म और टीएस एलियट का 3 Essays जिसको लिखा है एस कुमार। इसमें 2 ही टॉपिक होंगे, तो ढेर सारे टॉपिक पढ़ना हमें कितना है? 2 ही है। अच्छा, थर्ड बुक की बात करते हैं। थर्ड बुक है I.A. रिचर्ड्स, इनका किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अलाइड पब्लिशर्स है, किसी भी पब्लिशर्स का आप ये ले सकते हैं। ये भी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर में जो है मेरे दोस्तों 2 ही चैप्टर पढ़ना है, 2 Uses ऑफ लैंग्वेज एंड द डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। आपको 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ना, इस बुक में I.A. रिचर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसी प्रकार और भी दिया है सजेस्टिंग रीडिंग, ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर 3 किताबें पढ़नी है, एक टीएस एलियट का, एक रिचर्ड्स का, और एक शेक्सपियरियन जो क्रिटिसिज्म है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब आइए, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे देख लो। यहाँ पे मार्क्स समझ जा, कमेंट ऑन द पैसेज फ्रॉम द प्रेस्क्राइब पीसेज, कोई पैसेज देगा और कहेगा उसके ऊपर कमेंट करें, तो वो 10 नंबर का आएगा, 1 पूछेगा अथवा करके ऑप्शन देगा 10 मार्क्स का। 3 क्रिटिकल क्वेश्चन आएंगे, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट जो भी ऊपर में आपको दिए गए हैं, जो भी है शेक्सपियरियन का, टीएस एलियट का, रिचर्ड्स का, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। आपको 20-20 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 60 नंबर का। इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्रोज एंड पोएट्री पैसेज, ये दिया रहेगा, 15 मार्क्स का 2 बनाना है, और टोटल जोड़ लेंगे तो 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो मुझे लगता है पेपर 5 क्लियर है, 3 किताबें, टॉपिक डिसाइड है, उनको पढ़ लेना है, और अंत में हम बताएंगे कि ये हमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन आता कैसे है। तो उम्मीद करते हैं पेपर 5 मेरे प्यारे साथियों का क्लियर होगा, और यदि आपको सिलेबस समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करो यार, शेयर करो, भर के प्यार दो यार इसको, इस अपने भाई को, अपने टीचर को, ताकि हम लोग भी थोड़ा कुछ नहीं तो 10,000 तो बनता है कि नहीं, मेरा सब्सक्राइबर्स, मेरे बच्चे बनते हैं कि नहीं, तो बस 1,000 की और देरी है, पहुंचा दो। आ जाओ, अब बात करते हैं पेपर 6 का, 20th Century मॉडर्न लिटरेचर। देख लो, क्लियर हो गया, हमें 20th Century के पढ़ना है, 900 से लेकर के जो है 2000 के बीच में जो भी आएंगे उन्हीं को पढ़ना है, और मॉडर्न स्टोरीज भी आपने पढ़ना है ना, मॉडर्न पोएट्स के बारे में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा। आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी बुक्स अपने को लेनी है। सबसे पहला किताब याद करो, पेलग्राफ्स गोल्डन ट्रेजरी, याद करो, ये बुक आपने लिया होगा फर्स्ट ईयर में, काम आ गया फर्स्ट ईयर में। उसमें आपने ढेर सारे पोएम्स पढ़े होंगे,
और मैंने भी जो भी पोयम अपने इस चैनल पे अपलोड करा बहुत बच्चों ने प्यार दिया, और मैं ये कंप्लीट पोयम आपको पढ़ाऊंगा। 10 पोयम है, 12 पोयम है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे देखो पोयम कौन है, WB Yeats का पढ़ना है, सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बेजेंटियम और अमंग स्कूल चिल्ड्रेन। WB Yeats का 3 पोयम, एलियट का मेरीना और गेरेंसन पढ़ना है, लॉरेंस का DH Lawrence का पियानो, ऑर्डन का लुक और स्ट्रेंजर, फिलिप लॉकिन का वॉन्ट्स, विल्फ्रेड ओवेन का स्ट्रेंज मीटिंग और स्टेफन स्पेंडर का मिसिंग माई डॉटर। ये कंप्लीट पोएम आपको पढ़ना है पेपर 6 में, गोल्डन जो ट्रेजरी बुक था वो प्रिंटेड बाय ऑक्सफोर्ड। तो जिनके पास होगा ठीक है, नहीं होगा किसी से मांग लेना, या इन पोयम्स को जैसे मन वैसे पढ़ लेना। ठीक है, जब पोयम है बेटा तो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन तो आएगा, पोयम है तो एक्सप्लेनेशन तो आएगा, तो पोयम को ढंग से करेंगे और एक्सप्लेनेशन करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। अब देखिए यहां थोड़ी बात करते हैं नोबेल की। देखो GB Shaw का कैंडिडा 12th में आपने सुना होगा, EM Forster का पैसेज टू इंडिया नोबेल सुना होगा, एसेज ऑफ अल्डवस हॉक्सले अभी ऐसे सेकेंड ईयर में इनका ऐसे मैंने पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है सर, देखना शायद काइट्स तो नहीं है, इनका पढ़ना है जिसको एस कुमार ने मैकमिलियन जो लेखक है वो है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बिलीव्स एक्शंस द प्लांट सोसाइटी Evolutions, Walk and Leisure, Literature and Science। तो उस ऐसे की बुक में देखना, इनमें से अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो नेट वगैरह से लेके पढ़ लेना। आ जाओ जी, तो इसमें कुल मिला करके अपने को प्यारे बच्चे ये पोएम पढ़ने हैं, ये 1-2 अपने को नोबेल पढ़ने हैं, बाकी ये 5 एसेज पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लो, 17-17 नंबर के 4 क्वेश्चन, 68 और क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट ऊपर कोई भी रहे कैंडिडेट का क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसी का दे देगा, और 4 एक्सप्लेनेशन तो खैर पोयम है तो आएगा, 4 आएगा, 8-8 नंबर का कितना होगा, 32, टोटल मिला के 100 हो गया पेपर 6। तो बताओ पेपर 4 में कितनी किताब, पेपर 5 में कितनी किताबें, 3, और इसमें पेपर 6 में कितनी बुक, तो 1 तो है और ये 2 किताबें और 1-3, तो इसमें भी कितने हो गए बेटा, 4 किताबें इसमें, 3 किताबें इसमें, 7 बुक अभी तक। आगे आ जाओ, अब बात करते हैं अपन पेपर 7 की। पेपर 7 की बात करें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, एक किताब का नाम है एंथोलॉजी ऑफ इंडो एंग्लियन वर्ड्स, एडिटेड है हरि मोहन प्रसाद एंड चक्रधर प्रसाद सिंह, ये बुक का नाम है एंथोलॉजी ऑफ इंडो एंग्लियन वर्ड्स। इसमें ये टेक्स्ट है जैसे हेनरी ड्रेजियो, ये एक पोइट्री है, पोइट्री हेनरी ड्रेजियो का किताब का नाम है पोइट्री, वो पढ़ना है, टोरू दत्त का आवर पोसिरियन ट्री पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर का साइलेंट स्टेप, अरविंदो घोष का टाइगर एंड द डियर और नायडू का सॉन्ग्स ऑफ राधा क्वेस्ट पढ़ना है, निजिम एजिकिल का आईलैंड, कमला दास का इंट्रोडक्शन, एके रामानुजन का प्लेनेट और आर पार्थसारथी का डली और जयंत महापात्रा का डॉन एट पूरी पूरी में भोर, ये पढ़ने हैं। तो एक बुक ये लेना है, फिर यहाँ नीचे नोबेल है, कांथापुरा राजा राव जानते हो, मूल राज आनंद का अनटचेबल और आनके राणा का द गाइड, क्लियर। तो 4 नोबेल इधर और प्यारे बच्चों उधर में हमने, और एक बुक ये देखा, उधर में 7 किताबें थी और ये कितनी किताबें हो गई, 11 बुक्स कुल मिला के अगर लेख लो मोटा मोटी 11 किताबें, और उनमें इतनी सारी चीजें पढ़नी, नोबेल ही देख लो ना, 3 इधर 4 और 3 इधर नोबेल्स हो गए, और अभी इतने कितने नोबेल्स आए थे यहाँ पे, और 2 नोबेल इधर हो गए, 6 नोबेल्स ही पढ़ने हैं, देख लो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगा, 20 मार्क्स का 4 80 और एक्सप्लेनेशन पूछेगा 2, 10 मार्क्स का 20, एक्सप्लेनेशन तो पूछेगा जब पोएम हमें इतना पढ़ना है। अब लास्ट आ जाइए पेपर 8 की बात करते हैं, पेपर 8 में कुछ नहीं है, ऐसे है, बड़ा इजी होने वाला है। ऐसे को 2 हिस्सों में बांटा गया, लिटरेरी ऐसे, जैसे आप मान लीजिए पूछ लेगा रोमांटिक एज पर ऐसे लिखे,
है ना, जो भी आप शुरू से लेके अभी तक पढ़े आए हो विक्टोरियन एज पे लिखे, है ना, जैसे मान लीजिए मेटाफिजिकल पोइट्री पे लिखे, कोई भी आ सकता है। तो इसमें कौन कौन सी टॉपिक होंगे वो आप प्रीवियस ईयर देख करके, गेस पेपर वगैरह देख के क्लियर कर सकते हो, साइट पे तो अवेलेबल नहीं था। जनरल ऐसे में कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोरोना वायरस, मोबाइल फोन, डिसिप्लिन, किसी चीज पे, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, किसी पे आ सकता है। और 50 नंबर का एक आता है लिटरेरी ऐसे और एक आता है जनरल ऐसे, 50-50 मार्क्स का। तो समझ जाओ लिखना कितना होगा, बाप रे बाप। 10 नंबर का ऐसे लिखते हैं हम लोग 150 से 200 शब्दों में, मान लो 200 शब्द, यानी कि अगर एवरेज ले लो 200 शब्द का, तो 50 का है तो 10 × 50 1000 वर्ड में आपको एक ऐसे लिखना है। और ये जनरल ऐसे जो पूछेगा वो भी 1000 शब्दों में 2000 शब्द की प्रैक्टिस करनी होगी। देखो इंग्लिश ऑनर्स जब खत्म हो रहा है तो जानने वाला जानेगा कि नहीं कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, इसलिए अंत में ऐसे रखा गया। लिटरेरी ऐसे प्यारे बच्चों जितना आप पढ़े हो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है उस पे, और जनरल ऐसे तो कुछ भी आएगा, ये हर बच्चा लिख लेता है। तो लिटरेरी ऐसे कि हम लोग टॉपिक कुछ कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट, आगे चल के उस पे डिस्कस करेंगे, है। तो उम्मीद है कि पेपर 5 क्रिटिसिज्म हो गया, पेपर 6 आप समझ गए होंगे, कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ पोएम है, पेपर 7 में भी कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ पोएम है, और पेपर 8 में ऐसे हैं। तो इससे आप आइडिया लगा लो, ये पूरा कंप्लीट पेपर 5 टू पेपर 8 हमने आपको करा दिया, सारा का सारा सिलेबस फाइनल। अब आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक एक टॉपिक को आप अपने हिसाब से जो है नेट पे सर्च करो, बुक में सर्च करो, गेस पेपर में सर्च करो, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक तो सबको ही खरीदना। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सारे बच्चे ले लेना मार्केट में, 22-25 वाला का सेशन का, है ना। उसके बाद में जो है आप गेस पेपर भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अगर पूरा आप विद्वान बनना चाहते हैं तो बुक्स ले सकते हैं, आप नेट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, कहीं से यदि आपको नोट्स मिल जाता है उसका यूज कर सकते हैं। तो पढ़ना तो खुद के हैं, सिलेबस अच्छे से समझ गए होंगे, 2-3 बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, और ढंग से समझ के आप तैयारी कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर जरूर देखना, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बड़ा कारगर साबित है, और इस वीडियो पे अगर प्यारे साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, अगर इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स यदि आ जाते हैं, 500 लाइक्स अगर आ जाते हैं, इसके आसपास भी हम पहुंच गए, तो हमें पार्ट 3 के वीडियोज बनाने में बहुत मदद मिलेगी। देखते हैं आप कितना सपोर्ट और समर्थन दिखाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।